वालेकुम। आज हम बनाएंगे रस मलाई केक। यह आधा कप से भी हमारा कम है ऑयल। एक बर्तन में हमने ऑयल डाला हुआ है। एक टेबल स्पून भर के हमने दही लिया है। आधा कप शक्कर है हमको, इसकी पाउडर हमने बनाई है मिक्सी में डालकर, आधा कप शक्कर की। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है शुगर ऑयल और एक कप हमने इस सूजी और मैदा मिलकर हमने एक कप लिया, यानी आधा कप सूजी है बारीक रवा और आधा कप मैदा है, ऐसा एक कप पूरा लिया है। एक टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाली है, आधा टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। एक कप हमने दूध लिया है क्योंकि इसको लिक्विड की तरह बनाने का है, एकदम थिक सा बैटर नहीं चाहिए हमें, ऐसी थिकनेस चाहिए। आधा टीस्पून हमने वेनिला एसन लिया है। अगर आप इस जगह वेनिला एसन नहीं डालते तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसा चाहिए समोसा हमें बेटर केक का। अगर आपका ठीक है तो और दूध डाल सकते हैं आप, और ऐसा लिक्विड टाइप बना सकते हैं। एक डिश में हमने ऑयल लगा हुआ है, इसमें ही हम ये बैटर डाल के बॉईल करेंगे। दो गिलास हमने बर्तन में पानी डाला है और ये प्याली डालकर हम इसको रखेंगे और ऊपर से कवर करेंगे, आधे घंटे के लिए इसको बेक करेंगे। दूसरे बर्तन में हमने दूध लिया है, एक लीटर हमारा दूध है। चार टेबल स्पून हमने शक्कर डाली है। दूध को आधा कम होने तक हम इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पर ही। ये देखिए हमारा दूध एक लीटर में से आधा कम हुआ है। अभी हम गैस चूल्हा बंद करेंगे। इसमें अभी हमने वेनिला एसन आधा टीस्पून डाली है। केक हमारा बन चुका है, गीला नहीं है। दूध को ज़रा ठंडा होने देंगे फिर हम इस पे डालेंगे केक पे। ये फॉक की मदद से इसको ऐसे हम सुराख लगाते जाएंगे। दूध हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर हम अभी केक के ऊपर हमने डाले, थोड़ा सा हमने बचा कर रखा है। ये देखिए दूध को मिल्क को जज्ब हो चुका है सारा। अभी हम इस पर ड्राई फ्रूट डालेंगे।
आपके पास जो बादाम पिस्ता है वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। एक बार ज़रूर हमारे तरीके से ट्राई करना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये देखिए, इससे हम इसे पीस करेंगे इसके केक के। एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। जो हमने दूध बचा कर रखा है वो इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा रसमलाई केक बन चुका है।